कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 महीनों को मुहतरम करार दिया, जिनमें ज़ुल्क़ादा था, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब 3 महीने तो इकट्ठे हैं, 2 साल के आखिरी हैं, 1 साल का पहला है और 1 रजब का महीना है। इन महीनों के अंदर कत्ल व क़िताल करना, लड़ाई झगड़ा करना, खून रेजी करना, ये बिल्कुल मना है। गुनाह तो गुनाह है, जुल्म तो जुल्म है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ 3 महीनों के अंदर ये क्यों फरमाया कि फला तज़लिमु फीहिन्ना अन्फुसकुम। एक आदमी चोरी करता है किसी और महीने में और एक आदमी चोरी करता है इन महीनों के अंदर, चोरी तो चोरी है, गुनाह तो गुनाह है, फिर ऐसा क्यों? ऐसा तो इसको यूँ समझ लीजिए कि एक आदमी है, गाली देता है बाजार के अंदर, वो भी गुनाह का काम उसने किया, और एक आदमी है वो गाली देता है मस्जिद के अंदर, ये भी गुनाह का काम किया, लेकिन ये गुनाह का काम उससे ज़्यादा गुनाह का काम है कि इसने मस्जिद के अंदर खड़े होकर गाली दी। वो बाजार का एक माहौल है, उसके अंदर गाली देना गुनाह वो भी है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह नहीं है। एक आदमी मस्जिद के अंदर गाली देता है, ये उससे बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से एक आदमी अगर बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर गाली देता है तो उससे बड़ा गुनाह है।